जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं जो कि हमारे लाहौर की बहुत फेमस डिश है, जिसका नाम है कूजी हलीम। तो रेसिपी को पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और इन्जॉय करें नेक्स्ट आने वाली तमाम टेस्टी रेसिपीज से। तो स्टार्ट करते हैं लाहौरी कूजी हलीम, जिसकी प्रिपरेशन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल कूजी हलीम, चिकन कूजी हलीम। तो इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं नोट डाउन कीजिए। हमें सबसे पहले मिक्सिंग दालें चाहिए। तो हमने ली है ये 1 कप माश की दाल, ये हमने ली है 1 कप मूंगी की दाल, ये धुली हुई दाल है मूंगी की, और ये हमने लिया चने की दाल। चने की दाल ज़्यादा पड़ेगी तो मैंने इसको 2 कप लिया है। और ये मैंने लिया है ओट्स, और मैंने ये वाले ओट्स लिए हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाएंगे। और 1 कप लिया है राइस, चावल नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, और ये मसूर की धुली हुई दाल है, ये भी 1 कप। सब क्वांटिटीज़ जो है वो हम सेम लेंगे, और चने की दाल जो है वो हम डबल क्वांटिटी में लेंगे। दैट्स इट। इन सब दालों को इकट्ठे करके आप भिगो दें, और मैक्सिमम भी इसको 1 आवर के लिए आपने जो है वो भिगोना है खुले पानी में धोकर। और उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको भिगोते हैं सब दालों को एक साथ। जी तो ये देखिए, ये सारी दालें अच्छी तरह से जो है वो भीग चुकी हैं, और अब हम इसको कुकिंग का काम करते हैं। मैंने ओट्स इसमें पहले नहीं ऐड किए थे क्योंकि ये मैंने इस तरह के ओट लिए हैं, ये जल्दी जो है वो कुक हो जाते हैं। अगर आप दूसरे मोटे वाले दलिया ले रहे हैं तो फिर आप इसके साथ ही उसको जो है भिगो दीजिएगा। तो ओट्स ऐड कर देते हैं, उसके साथ हम 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का ऐड करके, नाउ मिक्स इट वेल। अब हम लिड को कवर करके तो इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि दालें जो हैं वो हमारी अच्छे से गल जाएं अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। दाल अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो गई है, ये देखें सब चीज़ें एक साथ अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। तो करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है कूजी हलीम मुहर्रम स्पेशल, और दालों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है, और अब हम आ जाते हैं उसके चिकन की ग्रेवी की तरफ। क्योंकि एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको कूजी हलीम में जितनी दाल होती है उससे डबल क्वांटिटी में चिकन जो है वो लेना होता है, क्योंकि उससे फिर उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए ये कूजी हलीम कहलाती है। तो मेरी दालें तकरीबन 1.5 kg के राउंड अबाउट हो चुकी थी, तो मैंने जो चिकन लिया है मैंने 3.5 kg से ज़्यादा जो है वो चिकन लिया है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। तो ये है चिकन 3.5 kg, और ये मैंने लिया है नमक, तो ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, और ये मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, और ये है मेरे पास 5 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है क्योंकि इसमें गरम मसाला जो है वो कुटा हुआ या ग्राइंड किया हुआ अच्छे से पिसा हुआ जो है वो डलता है, तो बस ये मैंने टेस्ट के लिए लिया है। और इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जी ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो ये डाल दिया मैंने चिकन, 3.5 kg से ज़्यादा है ये चिकन। ये इसमें लिया 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, प्याज का इसके ऊपर तड़का लगेगा क्योंकि ये बन रही है कूजी हलीम, और कूजी हलीम लाहौर की बहुत फेमस डिश है, और ये इसी तरह से बनती है। ये इसमें गया सॉल्ट, गरम मसाला साबुत, और ये चिली पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी।
थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको इस तरह से अच्छी तरह से घोटते जाएंगे। इसको इतना पकाना है हमने कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए और चिकन जो अभी नज़र आ रहा है वो इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए। से जो है वो मिक्स हो गया, तो अब हम इसे ढककर जो है वो पकने देंगे और दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करते हैं। जी तो हम तैयार कर रहे हैं हलीम का तड़का, कुजी हलीम का तड़का। उसके लिए मैंने लिया है 4 प्याज, ये बड़े साइज़ के प्याज हैं क्योंकि मुझे ब्राउन करके इसको सर्विंग के लिए भी निकालना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ऑलिव ऑयल, और ये मैंने लिया है 4 कप के राउंड अबाउट, क्योंकि कुछ हम सर्विंग में यूज़ करेंगे और बाकी का जो है वो हम अपनी कुजी हलीम को तड़का लगाएंगे। तो बस इसे हमें गोल्डन कलर देना है, जैसे नॉर्मली हम अनियन ब्राउन करते हैं वैसे इसको कलर देना है। जी ये देखिए अनियन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। तो मैं निकाल लेती हूँ इसको टिश्यू पेपर पे या किचन रैप पे, और उसके बाद जो है वो इसी ऑयल में हम जो हमने जूलियन किया है अदरक जिंजर उसको हम जो है वो फ्राई करेंगे। जी तो प्याज मैंने निकाल लिया ब्राउन करके, और ये लिया मैंने अदरक, इसको भी हमने ब्राउन करना है, गोल्डन कलर देना है। इस तरह से उसी ऑयल में मैं इसको फ्राई करी। हाफ जो है वो हम सर्विंग के लिए निकाल लेंगे और हाफ जो है वो हम हलीम में डाल के और उसको अच्छे से प्याज और ये अदरक ये दोनों चीज़ें डाल के और साथ में ये ऑयल थोड़ा सा डाल के तो फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तरह से अनियन, ये सिंगल सर्विंग आपको बता रही हूँ। ये हमने ब्राउन किया था प्याज, ये हमने अदरक ब्राउन किया था, ये डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया, ग्रीन चिली और साथ में ये चाट मसाला और एंड पे ये लेमन। तो ये थी हमारी कूजी हलीम जो कि रेडी हो गई है और इतने मज़े की होती है, लाहौरी कूजी हलीम बहुत फेमस यहाँ की। तो करते हैं बाकी असेंबलिंग। जी तो हमारी लाहौरी कूजी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने कर दिया है इसको असेंबल। और मुहर्रम स्पेशल आज हमने बनाई है कूजी हलीम। तो मैंने सर्विंग की है इसकी ग्रीन ये धनिया, ग्रीन चिली, लेमन, ये हमने अनियन ब्राउन किया था, ये हमने अदरक ब्राउन किया था, साथ में मैंने सिंगल सर्विंग भी आपको बता दी और उसको राइस के साथ सर्व किया। ये हमने बनाए लाहौरी कुलचे स्मॉल साइज़ के और इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वैसे ही जैसे सिंगल सर्विंग की है मैंने वैसे ही हलीम को सर्व किया है, साथ में उसका ऑयल है, साथ में चाट मसाला। बनाइए, अपना फीडबैक दीजिए मुझे और इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को अपनी और अपनी फैमिली के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, टिल देन अल्लाह निगेबा।